गैस अभी तक जो कुछ भी किया हमने अपने जेंगो प्रोजेक्ट के साथ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो हम HTTP रिस्पांस के अंदर स्ट्रिंग डाल रहे हैं ये हम कब तक डालते रहेंगे, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो HTML पार्ट है अपना वेबसाइट का उसको ज़रा सेपरेट कर लें और उसको सेपरेट करके अलग से बनाएं। तो यार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये है, ये मुमकिन है और इसी को कहते हैं टेम्पलेटिंग। और हम लोग इस वीडियो में टेम्पलेट्स के बारे में देखेंगे, एक एक चीज़ बताऊँगा आप लोग को अच्छे से और एक एक चीज़ को ऐसा समझाऊँगा कि आप लोग कभी ज़िंदगी में चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि खड़े खड़े तो यहाँ पर टेम्पलेट्स मेरी जेब या फिर मेरे कहीं पर भी नहीं है, इसलिए चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और वहाँ पर देखते हैं कि टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं, क्या होती है, क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे टेम्पलेट बनाने के। भाई पैसे तो नहीं लगेंगे लेकिन देखना पड़ेगा क्या लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। चलो करते हैं कंप्यूटर में चल के वो मेहनत। सो गाइस मैं अपने कंप्यूटर में आ चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट्स बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है वो करेंगे। पाइचाम यहाँ पर खुला पड़ा है, चलो चलते हैं और काम चालू करते हैं। गाइस अपने पिछले वीडियो में काफ़ी मस्ती मज़े हुए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, हम लोगों ने यार पूरी पाइपलाइन ही बिल्ड कर डाली। अब यार देखो हमको जेंगो प्रोजेक्ट बनाने से तो कोई नहीं रोक सकता, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। थोड़ा तेज़ टाइप कर रहा हूँ मैं तो स्पेलिंग जो है गड़बड़ हो जा रही है, लेकिन ठीक है यार इतना तो चलता है। यहाँ पर जल्दी से सर्वर बनाएगा, मैं क्लिक करूँगा इस पर, होम आ गया। मैंने आप लोग को एक एक्सरसाइज दी थी और एक्सरसाइज में मैंने आप लोग को बोला था कि आप सब में एक बैक बटन लगाएं, तो कुछ नहीं था यार उस एक्सरसाइज में। काफ़ी लोगों ने कमेंट मारा लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट नहीं भी मारा, इसलिए जिन लोगों ने कमेंट नहीं मारा उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैं मार देता हूँ यार कमेंट तो नहीं मार रहा हूँ, मैं वीडियो ही बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैक लिखूँगा और एक यहाँ पर ए टैग बंद कर दूँगा इस तरह। तो ए टैग जब मैं इस तरह बंद करूँगा स्लैश ए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा HREF लिख दूँगा, HREF इज़ इक्वल टू स्लैश कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको करना चाहिए सिंगल कोलन करूँगा तो अच्छा रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर मैंने ये स्पेस रिमूव में डाला हुआ है। अब ये स्पेस रिमूव फंक्शन से नहीं देखूँगा मैं यहाँ से देखूँगा। खैर किस्मत की बात यह है कि स्पेस रिमूव मैंने पाथ का नाम भी दिया है, फंक्शन का नाम भी दिया है, तो मैं स्लैश करके स्पेस रिमूव में जाऊँगा, कह रहा है स्पेस रिमूव, और बैक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी करना क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ मैं टेम्पलेट्स की मदद से करूँ, तो आप लोग को टेम्पलेट्स के बारे में बताता हूँ, जेंगो में टेम्पलेट्स क्या चीज़ होती है, आ जाओ देखते हैं टेम्पलेट्स क्या होती है। सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लोग settings.py में जाना, settings.py में टेम्पलेट्स वाला फोल्डर है ना, यहाँ पर DIRs में एक टेम्पलेट्स डाल देना, टेम्पलेट्स की स्पेलिंग सही से लिखना क्योंकि ये मैसअप कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप लोग पूछोगे क्या किया ये, बस हमने जेंगो को बताया कि भाई हमारे टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हम कुछ टेम्पलेट्स डालना चाहते हैं, तो ये बस आप जेंगो को बता दो ये लिखकर, और ये थोड़ा यार सही से करना आप लोग एकदम, देख लो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर टेम्पलेट्स लिखा है, तो आप लोग इसको मैसअप मत करना, इसको आप लोग सही से लिख देना, सिर्फ इतना लिखना है। ये करने के बाद कंट्रोल एस कर लेना, या फिर अभी क्या करो सर्वर को स्टार्ट कर दो, सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे ये सब करके। टेम्पलेट्स लिखा मैंने, मैं व्यूज़ में आऊँगा, मेरा जो इंडेक्स था मैं इंडेक्स में क्या करूँगा, मैंने लिखा हुआ था HTTP रिस्पॉन्स ये, तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं करना चाहता हूँ इस्तेमाल टेम्पलेट्स को, तो टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करने के लिए मैं एक इंपोर्ट मारूँगा, यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम, मैं ये फालतू का जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट रेंडर, तो मैं रेंडर जो है वो रेंडर इंपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैंने जो HTTP रिस्पॉन्स ये किया हुआ था इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर करूँगा, मैं भी बताता हूँ किस तरह करूँगा, थोड़ी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब कहाँ पर बनाओगे आप टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने डायरेक्टरी में क्या किया, एक डायरेक्टरी एक्स्ट्रा बना दी, लेकिन वो एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अगर मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ पर एक्स्ट्रा बना दी तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम आ जाती है एक दो मिनट के लिए, तो आप लोग कम से कम उसको सॉल्व करके नई चीज़ सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा ये है ये मेरी बेस डायरेक्टरी है, तो जहाँ पर मेरी manage.py है वहाँ पर मुझे बनानी है एक क्या डायरेक्टरी टेम्पलेट नाम की। न्यू पर क्लिक करूँगा और लिखूंगा यहाँ पर डायरेक्टरी और टेम्पलेट्स। स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखना है आपको टेम्पलेट्स की, एंटर मारूंगा। अब देखो मैंने कहाँ पर डाला है टेम्पलेट्स को, बहुत ही मैंने देखो गलत जगह डाल दिया टेम्पलेट्स को, मैं इसको बाहर ले आता हूँ। आप लोग डालें उसको वहाँ पर जहाँ आपका manage.py है, यानी कि जहाँ manage.py है वहाँ पर आपका टेम्पलेट दिखना चाहिए, अंदर ना डालें आप कहीं भी और ना डालें, जहाँ भी manage.py है जब आप फोल्डर देख रहे हैं अपना, तो manage.py की जहाँ पर है वहीं पर टेम्पलेट्स होना चाहिए फोल्डर। इससे ज़्यादा मैं आप लोग को नहीं बता सकता, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने बातों को और उस हिसाब से करें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे को प्रॉब्लम भी आती है। अभी टेम्पलेट वाले फोल्डर में मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, HTML फाइल जाऊंगा और यहां पर index.html के नाम से एक फाइल बना दूंगा। अब यहां पर मैं इसके टाइटल लिख दूंगा टेम्पलेट इज वर्किंग,
जस्ट देखने के लिए कि यार काम कर रही है टेम्पलेट या नहीं कर रही है, वर्किंग वर्किंग सही लिखी है। मैं एक मासूम मासूम सी टेम्पलेट हूँ हैरी भाई, ठीक है मैंने लिख दिया अभी, अब आप लिख लेना बाद में, हम लोग अच्छी वेबसाइट भी बनाएंगे, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसको मैं करूँगा कमेंट आउट यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा रेंडर। अब रेंडर जो है वो पहला आर्ग्यूमेंट लेता है हमारा रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट तो इसको दे दो, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है टेम्पलेट का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दैट्स इट, इतने में आपका काम हो जाना चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और सर्वर को वापस से स्टार्ट करूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखकर, और इसको मैं रिलोड करूंगा। और इसको मैंने रिलोड किया तो यार वैल्यू एरर आ रहा है, देखते हैं ये वैल्यू एरर क्यों आ रहा है। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पर, एच टी टी पी रिस्पॉन्स को यहाँ पर क्या एच टी टी पी रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया है आपने, तो यार मैंने सिर्फ रेंडर लिख दिया, मैंने रिटर्न नहीं लगाया, तो यार मुझे रिटर्न भी लगाना चाहिए यार, गलत बात है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और ये जल्दी से रिलोड हो जाए ऑटोमेटिक, इससे पहले मुझे इसको किल करके करना पड़े, हो गया ऑटोमेटिक। अब क्लिक करूंगा, ये देखो चल गया, ये कह रहा है मैं एक मासूम सी टेम्पलेट हूँ हैरी भाई। तो यार ये छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेंगी हमसे, जैसे कि मैं रिटर्न लगाना भूल गया। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग इसको रटें, आप लोग ये रटें कि रिटर्न लगाना है, नहीं रिटर्न लगाना ये आपकी समझ होनी चाहिए इस बात की कि एक फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, लेकिन आपको रेंडर पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, जेंगो डॉट शॉर्टकट है या शॉर्टकट्स है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन को पुल अप कर सकते हैं और उसको पुल करके आप आराम से देख सकते हैं उसमें क्या है, या फिर मेरी वेबसाइट codewithhari.com पर ये सारा कोड आपको मिलने वाला है, आप वहाँ से पुल कर सकते हैं, फिर इस वीडियो में आप वापस आके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग समझें इन चीज़ों को कैसे काम कर रही हैं, और कल अगर आपसे कोई जेंगो की वेबसाइट बनाने के लिए कहता है तो आप लोग इसको बना पाएँ, आप लोग कैपेबल इनफ रहें कि आप बना दें इस वेबसाइट को। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है ये कि आप लोग को चीज़ों को रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पर फोकस करना चाहिए, उससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है आपकी। और आप यार ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ अपने आप को जेंगो तक सीमित रखोगे, आपको आप ही बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है, हम सबको बहुत आगे जाना है, हम लोग काफ़ी चीज़ें करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग रटे ना, सिर्फ चीज़ों को समझे कैसे काम कर रही है, तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जितने भी वीडियोज़ बनाता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप लोग कर लेना, और आप लोग को पता चल जाएगा अगर आप लोग मेरे कोई भी आपने कोर्स शुरू से आखिर तक कंप्लीट करके देखा है, अगर देखा है आप लोगों ने, तब आपको पता होगा कि मेरी क्या थिंकिंग है, मैं मेरा क्या अप्रोच रहता है चीज़ों को बनाने का। तो यार अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा है तब आप लोग को ज़रूर पता होगा कि मेरा क्या अप्रोच रहता है, मैं किस विजन के साथ पढ़ाता हूँ, मैं किस विजन के साथ आप लोग को आगे लेकर जाता हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हो शुरू से आखिर तक करो, बीच में मत छोड़ो, कोई बीच का वीडियो मत देखो, बीच का वीडियो तब देखो जब आपने पूरा कोर्स देख लिया एक बार, आप रिविजन के लिए आ रहे हो। लेकिन एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट प्रोग्रामर भी हो तो यार 103 वीडियोज़ की तो मैंने पाइथन की जो कोर्स है वो पूरी बना रखी है प्लेलिस्ट, तो आप लोग इसको जो है पूरा देखो, फ़ायदा उठाओ यार। अगर मैं बना रहा हूँ वीडियोज़ यहाँ पर फ्री में, अभी मेरे पास टाइम है मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा मानना तो ये है कि आप लोग इसको देखो। और मुझे भी कभी भी ऐसा लगता है मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह अगर आप लोग को ये मिली अपॉर्चुनिटी मुझसे सीखने की, आप लोग इसको सीखें, और मैं आपको एक्सरसाइजेस के साथ सब कुछ दे रहा हूँ, इवन इस जेंगो कोर्स में भी मैंने आप लोग को एक्सरसाइजेस दिए हैं। मेरी बात अगर आप लोग मानोगे तो मैं आप लोगों को, मैं जिम्मेदारी लूँगा आप लोग को प्रोग्रामिंग सिखाने की। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, लाइक अगर आप लोग करोगे तो मुझे इसी तरह जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा इस तरह के वीडियोस को बनाने का। यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग आगे जो है और अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे और हम लोग जो है जेंगो को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे। लेकिन यार यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले एक तीसरा आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ आप लोगों को रेंडर का, जो कि मैं भूल गया। तो मैं यहाँ पर रेंडर का तीसरा आर्ग्यूमेंट आपको बताता हूँ, वो होता है एक वेरिएबल, यानी कि एक डिक्शनरी आप पास कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर परम्स नाम की एक डिक्शनरी बनाऊँ और उसका पहला आर्ग्यूमेंट ले लूँ हैरी, और हैरी का नाम लिख दूँ हैरी जो आर्ग्यूमेंट है, फिर एक काम करता हूँ यार नेम हैरी लिख देता हूँ। तो मैं एक डिक्शनरी यहाँ पर भेज रहा हूँ, नेम में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हैरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्लेस में लिख देता हूँ यहाँ पर यूएसए, या फिर मार्स लिख देता हूँ यार, मार्स ज़्यादा अच्छा लगता है, हम इस गोले के हैं ही नहीं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परम्स। अब मैं इसको अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस तरह के डबल कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पर नेम लिखूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा इसको, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या आएगा। तब यहाँ पर देखो रिलोड हो रहा है, अभी रिलोड हो जा, देखो हैरी आ गया। हैरी क्यों आया, क्योंकि ये नेम जो था वो हैरी था। उसी के साथ साथ अगर हैरी नेम की जगह मैं प्लेस करता और मैं यहाँ पर लिख दूँ इज़ फ्रॉम, और मैं लिख दूँ प्लेस, और कुछ ऐसे कर दूँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर दूँ,
तब आप लोग देखो इसको मैं रिलोड करूँगा तो हैरी फ्रॉम मार्स लिख कर आ गया। तो वेरिएबल्स को टेम्पलेट में भेजने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है जेंगो के अंदर। ये मैंने अभी आप लोग को सिर्फ बताया, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था ये टेम्पलेट का। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर करो यार, इस सीरीज़ को जेंगो की, मेरी पाइथन के कोर्स को। आप अगर जल्दी जल्दी शेयर करोगे तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए कोर्सेज लाता रहूँगा, इसलिए मैं कहता हूँ यार शेयर कर दिया करो। और वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि टेम्पलेट आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है। और यार टेम्पलेट अगर नहीं होती तो यार मतलब मुझे तो जेंगो में मज़ा आता नहीं, और अगर यार टेम्पलेट नहीं होती तो जेंगो जेंगो ही नहीं रहता पहली बात। तो यार मैं आशा करता हूँ कि टेम्पलेटिंग आप लोग को अच्छा लगा होगा फीचर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को स्ट्रिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या टेम्पलेट ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यार ये अपनी अपनी चॉइस भी होती है। अब कुछ लोग को स्ट्रिंग भी अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता आप लोग उनमें से है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना टेम्पलेट बेटर है या स्ट्रिंग बेटर थी, क्योंकि मैं आप लोग का भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।